मेहता का उल्टा चश्मा। आहो हाँ आहो हाँ जरा आंखें बंद कीजिए ना। क्यों कीजिए ना आंखें बंद? ठीक है अभी आ कीजिए आ। क्या कीजिए? आ मोदक। अरे वाह बच्चे अभी तक बुजुर्गा खत्म हो गए। अब खत्म हो गए ये आखिरी था। आपको बहुत पसंद है ना इसलिए आपके लिए बचा के रखा था। ओह सो स्वीट। थैंक यू मोदक मोदक। तुम भी तो स्वीट हो। वैसे अपनी स्वीटी कहाँ है? ए सोनू कहाँ है? वो गोली के घर गई है। बाकी कुछ भी कहो टप्पू सेना ने इस बार गणेश उत्सव में कमाल कर दी। नहीं वहाँ तो कमाल कर दिया बस वैसा ही कमाल वो पढ़ाई में करे तो कुछ बात बने। टप्पू सेना वो भी कमाल कर देगी अगर आप बच्चे से पढ़ाए तो। ये आकाशवाणी कहाँ से हो रही है? यहाँ से हो रही है बीड़ अंकल। टप्पू ने आवाज निकाली अभी। हाँ कमाल कैसे दिखाओ गुली। टप्पू सेना ये भी कमाल कर देगी अगर आप अच्छे से पढ़ाए तो। अच्छी तरह पढ़ाए तो का क्या मतलब है? मैं अच्छे से नहीं पढ़ा था गलत पढ़ाता हूँ मैं। बीड़ा अंकल आप हमारे टीचर है ना आपकी गलतियाँ हम कैसे बता सकते हैं? ये गोड़िया क्या कहना चाहते हो तुम लोग? मैंने क्या गलती की हा? क्या गलत पढ़ाया मैंने तुम्हें? पप्पू बोल दू क्या? बोल दे गोली। बीड़ा अंकल बहुत ओपन माइंडेड है अपनी गलती मान लेंगे। कौन सी गलती मैंने की काय चल रहे हैं? आई बाबा आप दोनों इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? ये दोनों मजाक कर रहे हैं। कमाल है कैसे डरा रहे हैं? बीड़ा अंकल वैसे आपकी गलती तो है ने? आप हमें पढ़ाने में कोई गलती नहीं करते यही आपकी गलती है। हंसते काय बोलते हो यार? तारीफ कर रहे हैं आपकी। हाँ तारीफ कर रहे तो ऐसे करो ना तारीफ ऐसे क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं आदि का बेटा हूँ ना। देखा माधवी जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं ना वैसे वैसे उनकी शरारतें भी बड़ी होती जा रही है। मेरे अंकल आप ही कहते हो ना कि प्रगति होनी चाहिए। वाह 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 गोली बस। बीड़ा अंकल हम यहाँ पर आपको गणेश उत्सव का हिसाब किताब देने आए हैं ये लीजिए। ओहो इसमें सारा खर्चा लिखा हुआ है और ये लीजिए 2000 रुपए। 2000 रुपए? हाँ आपने हमें 5000 रुपए दिए थे ना उसमें से 2000 रुपए बचे हैं। हाँ। कहते मतलब मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे खर्च करने के लिए उसमें से ये पैसे बचे हैं? हाँ। क्या बात है टप्पू सेना वाह 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 आई एम प्राउड ऑफ यू। देखा देखा माधवी मतलब पैसे बचाए इन लोगों ने क्या बात है। बीड़ा अंकल चाहते तो हम लोग इस 2000 रुपए से पार्टी कर सकते थे पर सोसाइटी की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी पतली होने से हम लोग ने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। खरच शाबाश बच्चों देखा कितने समझदार बच्चे हैं। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन गोड़िया उदास मत होना पार्टी होगी और जरूर होगी। माधवी मस्त पैकी कोथिंबीर वड़ी पोहे आणि मिसळ बनव। तारक आपको कितनी बार खाना खाने के लिए कहना पड़ेगा? अभी आप डिनर खा रहे हैं कि मैं रख दूं? सुबह ब्रेकफास्ट समझ के खा लीजिएगा। अरे यार अंजलि डिनर तो रोज ही होता है ना भाई अभी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ पहले मुझे वो करना है तो उसके बाद खा लूंगा मैं। अरे ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं देखो तो। अरे भाई इंपॉर्टेंट काम मतलब देश का बजट नहीं बना रहा हूँ आर्टिकल ही लिख रहा हूँ लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और सब्जेक्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। किसकी जिंदगी बेहतर है शादीशुदा व्यक्ति की या कुंवारे आदमी की? तारक इसमें लिखना क्या है ऑफ कोर्स शादीशुदा होना ही बेहतर है। सोचिए संसार सागर में दो लोग मिलकर नाव चलाएं तो सागर कितनी आसानी से पार हो सकता है। और वो ही दोनों लोग बीच सागर में लड़ने लग जाएं तो नाव डूब जाएगी कि नहीं इससे बेहतर है कि एक ही आदमी नाव चलाए और संसार सागर को सुखी सुखी पार करे। ठीक है अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कवारे की तरह रहिए घर के सारे काम कीजिए कपड़े बर्तन झाड़ू खाना भी खुद पकाइएगा और हाँ सोना भी यहाँ सोफे पे यू नो बैचलर्स लाइफ। तुम्हें क्या लगता है ये तकलीफ वाली जिंदगी है? अरे उल्टा बेहतर जिंदगी है और
घर का काम ये झाड़ू पोछा बर्तन मैं क्यों करूंगा भाई, काम वाली बाई आके करेगी। मैं तो मस्त इतने रेस्टोरेंट से कहीं भी जाके खाऊंगा मस्त कचोरी मिर्ची बड़े, सारी हसरत पूरी करूंगा खाने की। ये करेले का जूस तो नहीं पीना पड़ेगा ना मुझे, मौज ही मौज। ये होती है कुमारी की जिंदगी। मेहता साहब मैं अंदर आ सकता हूँ? इससे ज्यादा अंदर कहाँ आएंगे पोपटलाल जी। थैंक यू मेहता साहब। नमस्ते पोपट भाई। नमस्ते जी भाभी। कहीं मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं पोपट लाल, नहीं तुम कहाँ डिस्टर्ब करते, आप तो पोपट है तोता और मेरा घर तो अमरूद का पेड़ है, पोपट जब चाहे अमरूद के पेड़ पे आ सकता है। अरे तो भाई बताइए क्या मीठी नोकझोंक चल रही थी मियां बीवी में? अरे कुछ कोई नोकझोंक नहीं चल रही है पोपट लाल भाई। इनका मानना है कि कुंवारा रहना बेहतर है और मेरा मानना है कि शादीशुदा। अब आप ही बताइए क्या बेहतर है। अरे इसमें पूछना क्या अंजलि भाभी, शादीशुदा होना ही बेहतर है। ये लो। जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती वैसे इंसान शादी के बिना नहीं रह सकता। करेक्ट, सुना आपने? हाँ सुना भाई। हाँ पोपटलाल कैसे आना हुआ बताओ। मेहता साहब इस दुनिया में हर इंसान का एक सपना होता है, किसी का इंजीनियर बनने का, किसी का डॉक्टर बनने का। वैसे मेरा भी एक सपना है। क्या डॉक्टर बनना? नहीं मेहता साहब, आदर्श पति बनने का, आपकी तरह। बन सकते हो एक आदर्श पति मेरी तरह, लेकिन एक छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है पोपटलाल सर। क्या 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 क्या? पति बनने के लिए शादी होना बहुत जरूरी है। अरे इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। मैंने क्या मैरिज ब्यूरो खोला हुआ है पोपटलाल? अरे नहीं मेहता साहब, मैंने सोच लिया, अब मैं अपनी शादी का इश्तिहार अखबार में छपवाऊंगा और उसका मैटर आप लिखोगे। अरे भाई मैं क्यों लिखूंगा, तुम खुद एक पत्रकार हो, तुम्हारी तो कलम में धार है, तुम खुद लिखो अपना इश्तिहार। क्या है ना मेहता साहब, मैं एक काव्यात्मक शादी का इश्तिहार छपवाना चाहता हूँ। काव्यात्मक शादी? किसी कवित्री से ब्याह करना है क्या? नहीं मेहता साहब, मेरे एक मित्र की भी बरसों से शादी नहीं हो रही थी, तो उसने अपने कवि मित्र से शादी का काव्यात्मक विज्ञापन लिखवाया और वो छपते ही लिखी हुई कविता के शब्दों ने ऐसा चमत्कार दिखाया तो उसकी तुरंत शादी हो गई। मेहता साहब मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में भी ऐसा चमत्कार हो और वो आप ही कर सकते हैं। हाँ। तो ये बात है, ठीक है। थैंक यू लिखो लिखो, मैं बोलता हूँ लिखो। लिखो। हाँ जी बताइए। तो मैं हूँ तूफान एक्सप्रेस का पत्रकार, मुझसे मिलोगी तो हो जाएगा प्यार, वाह शादी के बाद रानी की तरह रखूंगा तुम्हें, कभी ना करूंगा घर में तकरार, भाई वाह 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 वाह, और तुम मेरे घर की देवी सास ससुर देवता, वाह 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 क्या बात है, पूजा करूंगा बार बार और इतना प्यार दूंगा तुम्हें प्रिय, हर जन्म में मुझे ही पति मांगोगी बारंबार। नजरें बिछाए बैठा हूँ पोपटलाल पत्रकार। पोपटलाल पत्रकार कैसा है? वाह 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 मेहता साहब वाह क्या बात है। अंजलि भाभी थैंक यू वेरी मच। हेलो भाई पोपटलाल, तुम्हारी मदद मैंने की और थैंक्स अंजलि को क्यों? अरे मेहता साहब, पुजारी पूजा करवाने में कितनी भी मदद करे लेकिन थैंक्स तो भगवान को ही बोलना पड़ेगा ना। थैंक यू पोपटलाल भाई, इसी बहाने इन्हें मेरी कदर तो हुई। अच्छा बाय द वे पोपटलाल, कौन कौन से अखबार में छपा रहे हो विज्ञापन? अरे मेहता साहब ये भी कोई पूछने वाली बात है, वर्ल्ड फेमस वन एंड ओनली तूफान एक्सप्रेस। क्या है ना इसमें मुझे 50% डिस्काउंट भी मिलता है। ओ, लेकिन पढ़ता कौन है तूफान एक्सप्रेस? अब मेरे कहने का मतलब कौन है जो तूफान एक्सप्रेस नहीं पढ़ता? छपवाओ। ऑल द बेस्ट पोपट भाई। थैंक यू अंजलि भाभी। बस अब कल ये काव्यात्मक इश्तिहार छपते ही पूरी दुनिया हिल जाएगी। ओहो अब तो ऐड भी छप जाएगी, लड़कियों की लाइन लगने वाली है। पोपटलाल तुम्हारी तो निकल पड़ी। क्या बात है पत्रकार पोपटलाल, इश्तिहार छप चुका है। ये भगवान
इस बार सब ठीक करना प्लीज। मोबाइल नंबर तो ठीक है ना? हाँ बराबर है, मोबाइल नंबर भी ठीक है। मेरा मोबाइल है कहाँ? बैटरी चेक कर लेता हूँ। बैटरी हाँ फुल है। क्या करूँ क्या करूँ। सबसे पहले ये खबर दया भाभी को सुनाता हूँ, अगर उनका आशीर्वाद रहा तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी। ए वाह गुजराती जलसो, तारीख 27 28 29 पार्ला भाईदास में। वाह वाह तो गुजराती जलसो जे है, देखने जाना पड़ेगा। अरे दया चाय ला। ओहो आज तो बहुत पढ़ाई हो रही है। नहीं बाबू जी आपको नहीं, टप्पू को बोल रहा हूँ। क्या पढ़ाई हो रही है तो क्या है? ना पढ़े टप्पूड़ा, पढ़ाई करना बंद कर दे बेटा, तेरे पापा को डिस्टर्ब हो रहा है। एक काम कर, पापा के मोबाइल पे गेम खेल, बस खुश। कुछ बोलने जैसा ही नहीं है। पत्नी ने पति के नाक पर मुक्का मारा, क्यों भाई? साड़ी के सेल में से पत्नी को साड़ी खरीदने के लिए मना करने पर पत्नी को आया गुस्सा और पति के नाक पर दे मारा मुक्का। तो भी वहां बैठा था ना, यहाँ कैसे आ गया? वो अखबार पढ़ने। ले पढ़ पढ़ पढ़। बाबूजी दुकान जाके पढ़ लूंगा। नहीं पढ़ पढ़ ले। नहीं ठीक है बाबूजी। अरे दया चाय नाश्ता। हाँ ये रहा। हाँ ला ला ला, ला जल्दी ला। बापूजी आपके अखबार में से कुछ गिर गया, मैं देती हूँ। ओ ये तो जाहिर खबर है, हमारे यहाँ नई होटल खुली है, हरियाली होटल। और ये साड़ियों का सेल, मोरनी साड़ियों का सेल। अरे वाह टप्पू के पापा, ये साड़ी के सेल की जाहिरात है, मैं ये साड़ी के सेल में से साड़ियाँ खरीदूँ? नहीं नहीं अरे क्या हुआ क्या हुआ टप्पू पापा? हाँ हाँ बोल रहा हूँ, हाँ जरूर जरूर खरीदो साड़ी। हाँ थैंक यू। लेकिन दया साड़ी खरीदो तो जरा सोच समझ के खरीदना, क्या ये सेल में ये लोग जो माल बिकता नहीं है या जो माल में खामी होती है ऐसा ही माल बेचते हैं, इसलिए जरा सोच समझ के खरीदी करना। हाँ टप्पू के पापा आप चिंता मत कीजिए, मैं साड़ी को पूरी खोलकर उसको बराबर चॉक करके बाद में खरीदूंगी। नमस्ते चाचा जी, गुड मॉर्निंग टप्पू। अरे पोपट भाई आइए आइए, नाश्ता करने के लिए बैठ जाइए। नहीं नहीं दया भाभी आज नाश्ता रहने दीजिए, आज मैं दूसरे काम से आया हूँ। कौन सा? आज तूफान एक्सप्रेस ने तूफान मचा दिया। अच्छा ऐसी क्या खबर छपी है? चाचा जी पत्रकार पोपटलाल की शादी का इश्तिहार ये देखिए। देखो देखो दुल्हन चाहिए, तूफान एक्सप्रेस का हूँ मैं पत्रकार, मिलो जो मुझसे हो जाएगा प्यार, शादी के बाद रखूंगा रानी की तरह, न करूंगा तुमसे कभी तकरार, तुम देवी और सास ससुर मेरे देवता, तुम्हारी पूजा करूंगा हर बार, इतना सुख दूंगा तुम्हें प्रिय, पति के रूप में मुझे ही मांगोगी बार बार, नजरे बिछाए बैठा है पोपटलाल पत्रकार। वाह वाह पोपट भाई मस्त है। थैंक यू ये किसने दिया?
मैंने दी भाई, और कौन देगा? पोपट अंकल, आपने अपना इश्तियार दिया? क्यों, आप में क्या खामी है? नहीं, अभी पापा कह रहे थे कि जो माल बिकता ना हो या फिर डिफेक्टिव हो, उसके लिए जाहिरात देनी पड़ती है। जेठालाल, ये क्या सिखाया तुमने टप्पू को? अरे नहीं भाई, अभी वो साड़ी के सेल की जाहिरात की बात चल रही थी ना, तो उसके बारे में मैं बात कर रहा था। अच्छा 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 अच्छा, बेटा उस जाहिरात में और इस जाहिरात में जमीन आसमान का फर्क है। चाचा जी, टप्पू, जेठालाल, दया भाभी, बस आप सब प्रार्थना कीजिए कि ये जाहिरात पढ़कर मुझे इतनी सारी लड़कियों के न्योते आए कि मैं ये तय नहीं कर पाऊँ कि मैं किससे शादी करूँ। अरे बाप रे, तो तुम फिर से कुंवारे रह जाओगे भाई? नहीं नहीं, मेरा मतलब है इतनी सारी लड़कियों के न्योते आए कि मैं कंफ्यूज हो जाऊं कि मैं किससे शादी ना करूं। अरे पोपट भाई, आप चिंता मत कीजिए, आपकी ये जाहिरात पढ़कर एक से बढ़कर एक न्योते आएंगे, और जैसे ही आपकी शादी होगी, टप्पू के पापा एक जबरदस्त पार्टी देंगे। तो टप्पू के पापा जबरदस्ती? हाँ जबरदस्त। क्या पापा, हरियाली होटल में पार्टी देना, सुना है वहाँ का खाना बहुत ही जबरदस्त होता है। जरूर बेटा, हरियाली होटल में पार्टी देंगे, बस ये पोपट अंकल की शादी तय हो तब तक वो होटल रहनी चाहिए। क्या बोला जेठालाल? मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बाबू जी जय जिनेन्द्र। बाबू जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र पापा। दया भाभी, मैं एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ बोलिए। मेरी शादी का रिश्ता आए और लड़की को देखने जाना हो तो आप मेरे साथ आएंगे ना? अरे पोपट भाई, ये कोई पूछने की बात है? मेरे लिए जैसे सुंदर वीरा है, वैसे आप है, और एक बहन का एक भाई को देश से आशीर्वाद है कि आपको जल्द से जल्द शादी का न्योता आएगा। थैंक यू दया भाभी, आपके मुंह में घी शक्कर। चलिए मैं चलता हूँ। चाचा जी, आप भी आशीर्वाद दीजिए। बाय बेटा। बाय पोपट अंकल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दया भाभी जैसे लोग इस दुनिया में हैं, इसीलिए दुनिया कितनी अच्छी लगती है। बस अब ये इश्तिहार पढ़कर कोई सुकन्या मेरा संपर्क करे तो दुनिया और भी अच्छी लगने लगे। सुंदर, अति सुंदर। अरे एक्सक्यूज मी भाई साहब, ये पत्रकार पोपटलाल कहाँ रहते हैं? हाँ यहीं रहते हैं, आप यहाँ से ऊपर जाइए दूसरे माले पर। ओके, थैंक यू। नहीं नहीं अब्दुल, मैं यहाँ हूँ, मायसेल्फ पत्रकार पोपटलाल। लो पोपट भाई तो यहीं पे है। पोपट भाई, ये मोहतरमा आपसे मिलने आई है। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू जी। मैं ही हूँ पत्रकार पोपटलाल, वरिष्ठ युवा पत्रकार। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, मैं आप ही से मिलने आई थी। आज तक मैं लड़की को मिलने जाता था, आज लड़की सामने से मुझे मिलने यहाँ तक आई है। जी बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? एक मिनट, कितने पैसे हुए भैया? 70 रुपए। अरे आप रहने दीजिए, मैं दे देता हूँ। अरे आप क्यों देंगे पैसे, मैं देती हूँ ना। एक्चुअली क्या है, मुझे छुट्टियाँ चाहिए, आजकल छुट्टे का कितना प्रॉब्लम है, मिलता ही नहीं है ना, इसलिए। अरे वाह, कमाल हो गया, मेरे पास ये छुट्टे मिल गए, मैं दे देता हूँ। ये ले भाई 70 रुपए। हाँ ऐसे घुमा। थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर। आप ही है ना जो तूफान एक्सप्रेस में लिखते हैं? बिल्कुल सही पहचाना आपने, हंगामेदार लिखता हूँ, मेरे आर्टिकल्स पढ़कर सबकी दुनिया हिल जाती है, और मैं लिखता हूँ इसीलिए अखबार का नाम तूफान एक्सप्रेस है। हाँ, मैंने आज आपकी एड पढ़ी थी, मैं पति ढूंढ रही हूँ। आया मिलना। भाई ये तो कमाल हो गया, आज तक पोपटलाल लड़की को ढूंढते थे, लेकिन अब लड़की पोपटलाल को ढूंढते हुए आ गए।
हमने इश्तेहार ही कुछ ऐसा लिखा है। वैसे क्या करें साहब, जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है, पोपटलाल उसी तरह शादी के लिए तड़प रहे और तड़पना वाजिब भी है साहब। जिंदगी की राह कठिन है, अड़चने भी कम नहीं है। गौर फरमाइए, जिंदगी की राह कठिन है, अड़चने भी कम नहीं है। ऐसे में किसी का साथ मिल जाए तो फिर कोई गम नहीं है। अब देखते हैं, इश्तेहार तो दे दिया है, अब पोपटलाल की शादी होगी भी या नहीं, और होगी तो किस ढंग से होगी। जो भी होगा, होगा हंसी और ठहाकों के साथ। लेकिन एक विशेष बात और, आप जैसे स्पेशल दर्शकों के लिए इस बार हम शनिवार को भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा लेकर आएंगे ठीक 8:30 बजे। लेकिन उसके पहले कल देखना मत भूलिएगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।